नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दैट इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, जिसको काफी लोग सिंबल क्यू के नाम से भी जानते हैं। बट शुरुआत करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, ये है आपसे बहुत बढ़िया सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करने में भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के पंसल की बुक, जो मेरे हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सबसे बेस्ट है, परचेज कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज। जैसा कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है कि डिस्चार्ज की डेफिनेशन, एक्चुअली वो डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो या बहाव को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो क्यों? तो चलिए आइए समझते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम बात करेंगे हमारे डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज जिसका सिंबल क्यू भी होता है, या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, क्या रेट से फ्लो जा रहा है? रेट अगर हमने इंट्रोड्यूस किया है तो दैट मींस हम इस टर्म को, फ्लो को से किसका संबंध निकाल रहे हैं, यानी कि किससे एसोसिएट कर रहे हैं? टाइम से, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है? इट इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब कुछ मात्रा है ये फ्लूइड की जो बहती है एक सेकंड में, यानी कि पर सेकंड में। तो दैट इज योर डिस्चार्ज। और कहां से बहेगी? ये पाइपलाइन के सेक्शन से बहेगी। सपोज ये आपकी पाइपलाइन है, ठीक, ये आपकी पाइपलाइन। एक हमने सेक्शन कंसिडर कर लिया, एक सेक्शन कंसिडर कर लिया वन, दूसरा सेक्शन ले लिया है वैसे टू, समझ रहे? जब तक आपका डाया चेंज नहीं होगा तब तक आपका जो फ्लो रेट है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे व्हाट इज दिस फ्लो रेट, फ्लो रेट इज नथिंग बट, अगर आप, मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं, लिखवाता हूं यहां पर, क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। क्यू है हमारा फ्लो रेट, समझ गए, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर लीटर पर सेकेंड। मतलब वापिस एक बार डिस्चार्ज की डेफिनेशन बोलूंगा कि कुछ मात्रा होती है, क्वांटिटी, सपोज वो है, मान लेते हैं क्यू की वैल्यू आ रही है 200 लीटर पर सेकेंड, यानी कि 200 लीटर की जो क्वांटिटी है फ्लूइड की, जो फ्लो हो रही है सेक्शन वन से, या फिर बोल सकते हैं सेक्शन टू से, मगर शर्त ये होनी चाहिए कि आपका क्या बोलते हैं, नहीं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डायमीटर भले चेंज हो जाए, यहां पर छोटा है यहां पर बड़ा हो जाए, मान लेते बड़ा हो जाए, या कांस्टेंट है, फ्लो रेट कभी चेंज नहीं होता जब तक वो दो पाथ में डिवाइड नहीं होता है। क्लियर हो? एक ऐसे, दूसरी पाइपलाइन ये सड़ जा रही है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस पाइपलाइन में जाने वाला फ्लो रेट अलग होगा, इस पाइपलाइन में जाने वाला फ्लो रेट ये अलग होगा, इससे अलग होगा। ओके, तो यहां पर जा रहा है 200 लीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ मात्रा फ्लूइड की जो बह रही है एक सेकेंड में, दैट इज वो डेफिनेशन होती है हमारी डिस्चार्ज की या रेट ऑफ फ्लो। या आप खुद सोचिए, रेट अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो नीचे आपको टाइम जरूर मिलेगा, जहां पर भी आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है तो एक सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से, एक सेक्शन से। तो वैसे ही है, एक सेकेंड में जितनी क्वांटिटी पानी की या फिर कोई भी फ्लूइड की जो बहता है, ठीक है, वो एक सेक्शन से जा रहा है, और वो सेक्शन किसका? पाइपलाइन का हो सकता है। अगर चैनल है तो वो चैनल के अक्रॉस, मतलब सपोज अगर आपने चैनल मालूम होगा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर चैनल लेके आता हूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक सेकेंड में, यहां से यहां तक, ये तो विड्थ हो गई आपके चैनल की, ठीक है, यहां से यहां तक एक सेकेंड में कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड गया है लीटर्स में एक सेकेंड में, तो दैट इज योर फ्लो रेट। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा व्हाट इज क्वांटिटी मींस, व्हाट इज द डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो, कि ये क्वांटिटी है आपकी फ्लूइड की जो एक सेकेंड में चैनल के अक्रॉस, मतलब यहां से यहां बह जाती है, या पाइपलाइन के थ्रू सेक्शन से, दिए हुए सेक्शन से बहती है। और एक पर्टिकुलर पाइपलाइन का डाया अगर चेंज होता रहता है तो फ्लो रेट कभी चेंज नहीं होता। फ्लो रेट तब तक चेंज नहीं होता जब तक ये पाइपलाइन किसी दो पाइपलाइन में डिवाइड नहीं होती। सपोज यहां पे 200 है, यहां पे हम 80 लीटर पर सेकंड भेज देते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हम भेज देते हैं, ये भी डिपेंड करता है काफी सारे पैरामीटर्स पे कि यहां पर फ्लो रेट कितना जाने वाला। तो एक काम करते हैं, ये क्यू है तो इसको नाम दे देंगे Q1, इधर जाएगा Q2, तो 200 में से 80 गए तो कितना बचा है यहां पर, दिस इज योर 120 लीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसकी जो यूनिट होती है उसको जो मेजर किया जाता है लीटर पर
सेकेंड में और मीटर क्यूब पर सेकेंड में। यह होता है फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्या वीडियो में हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो किया था, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी में चेंज नहीं आता है, ठीक है। ओके, अगर वही फ्लूइड आपका कॉम्प्रेसिबल हो जाए, यानी कि जिसकी डेंसिटी चेंज होती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं गैसेस की, तो अब क्या होता है कि डेंसिटी कहा जाता है घनत्व को कुछ पर्टिकुलर एरिया में। जब ये इतना बड़ा एरिया है, सपोज यहां पर आप रहते हैं बहुत खुले, जैसे कैनेडा की बात करता हूं, क्यों लोग कैनेडा में जाते हैं, क्योंकि वहां पर लैंड का एरिया बहुत ज्यादा, लोगों के पास बहुत लैंड है मगर पर्सन बहुत कम है वहां पर, ठीक है। तो अब अगर मैं लैंड को छोटा करता जाऊंगा तो यही पर्सन इतने लैंड में अगर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा डेंसिटी दिखेगी, समझ गए। तो कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पर्सन दिखेंगे, तो यहां पर क्या है, पर्सन वही है, पर्सन उतना ही है। मान लीजिए देखिए यहां पर कितना, हर एक पर्सन के पास बहुत बड़ी लैंड है, यहां पर हर एक पर्सन के पास लैंड बहुत कम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एरिया डिक्रीज कर रहा हूं, एरिया जिसके ऊपर वो रहते हैं, तो यानी कि मतलब मैं डेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि पहले डेंसिटी कम थी अब डेंसिटी बढ़ गई है, समझ रहे। तो वैसा ही गैसेस में भी होता है। तो ऐसे फ्लूइड्स जहां पर और जिनकी डेंसिटी चेंज होती है, उनके जो उनकी उनको जो जिस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, यानी कि जिस डिस्चार्ज में मेजर किया जाता है, वो यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर सेकेंड, समझ रहे। तो न्यूटन एक सेकेंड में कुछ, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, वेट की। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू, मतलब वही पाइपलाइन है मगर फ्लूइड कौन सा होना चाहिए, आपका कॉम्प्रेसिबल। तो ये सेक्शन वन है, इस सेक्शन वन के थ्रू एक सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ वेट का फ्लूइड जब गुजरता है, जाता है, तो दैट इज कॉल्ड योर डिस्चार्ज बोलेंगे या रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे। आई थिंक आपको ये काफी अच्छे से समझ गया होगा, और हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। ओके, सपोज वो सेक्शन वन है, तो सेक्शन वन का एरिया मैं बोलूंगा ए वन, ओके, और यहां का वेलोसिटी जो बोलूंगा वो वी वन होगा। तो ये लिखा मैंने, सपोज ए वन वी वन, अगर मेरे को सेक्शन वन का फ्लो रेट निकालना है तो मैं उसी सेक्शन का एरिया निकालूंगा, और ये वेलोसिटी हमारी यहां से गुजरने वाली फ्लूइड की होगी, और एरिया क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगी। अगर आप पाइपलाइन को उठा के देखें, सब उस पाइपलाइन को उठा के देखेंगे तो आपको ये गोल ही नजर आएगा। तो ये गोल कैसा नजर आ रहा है आपको, सर्कल के तौर पे। तो जो एरिया होगा दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। आगे बढ़ेंगे हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो मैं एक बार वापस इंग्लिश में रिपीट करता हूं, दैट डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक मात्रा है फ्लूइड की जो एक सेकेंड में पाइप के थ्रू एक दिए हुए सेक्शन से बह जाती है, या फिर चैनल से बहती है, यहां से यहां तक, यानी कि विड्थ के अक्रॉस बहती है। तो मैंने आपको विड्थ भी बताया था। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक्चुअली ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसको बोलते हैं, दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमें लास्ट में डिराइव करनी है। दिस इज योर रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये एप्लीकेबल होती है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किस किस के लिए, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब आपको मालूम है डेरिवेशन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक्चुअली ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि एक दिए हुए सेक्शन से जो फ्लूइड की क्वांटिटी है एक सेकंड में वो बराबर होती है दूसरे सेक्शन की, ठीक है। मतलब समझने के लिए अगर हम ऐसा देखते हैं, देखिए एक हमारी टापर पाइप है जिसका डाया लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है, ओके। अब यहां पर मैं बना देता हूं सेक्शन वन, ओके, यहां पर बना देता हूं हमारा सेक्शन टू, ओके। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ है, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो बेस्ड है एक लॉ के, और वो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही मास को पैदा किया जा सकता है, मगर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इस लॉ को यूज करके। तो ये लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग कि सपोज एक टापर पाइप है जिसका एरिया लगातार चेंज हो रहा है, ये इसकी सेंट्रल लाइन में बना देता हूं, ठीक है, ओके।
ये हमारा लॉ क्या कहता है कि एक टैपर पाइप है और उसमें मैंने सेक्शन लगा दिए हैं, दिस इज योर सेक्शन वन एंड दिस इज योर सेक्शन टू. तो जितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो, जो रेट ऑफ फ्लो है एट सेक्शन वन, एट सेक्शन वन, जितना भी रेट ऑफ फ्लो होगा सेक्शन वन पे, वही रेट ऑफ फ्लो होगा, ये बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू, एट सेक्शन टू. अब पूछेंगे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया है. रेट ऑफ फ्लो देखिए मैंने क्या बोला था, यानी कि जो डिस्चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो को डिस्चार्ज भी बोलते हैं, यानी कि जितना डिस्चार्ज आपका सेक्शन वन पे होगा उतना ही डिस्चार्ज आपका सेक्शन टू पे होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग. और ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, और लास्ट में हमें इक्वेशन मिलेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो समझते हैं अभी कैसे, एक बार वापस रिपीट करूंगा कि जो भी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड सेक्शन वन से गुजरेगा, जो मैंने लिखा था ना ये लॉ, मैं उसी का मीनिंग बता रहा हूं कि रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन क्या होता है, कि जितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड सेक्शन वन से गुजरेगा एक सेकेंड में, उतना ही क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एक सेकेंड में सेक्शन टू से गुजरेगा. तो यही लिखते हैं. चलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, एट सेक्शन वन. तो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन, एट सेक्शन वन. चलिए तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन लिखते हैं. देखिए अगर हमें क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन वन एक सेकंड में लिखना है तो हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, आपको मालूम है, दिस इज केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड. या फिर आप बोल सकते हैं क्योंकि हम किसके बेसिस पे रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो क्वांटिटी इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास, यानी कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, वही मतलब हुआ जितना मास एक सेकंड में इस सेक्शन वन से गुजरेगा उतना ही मास आपके सेक्शन टू से भी गुजरने वाला एक सेकंड में. तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड पे लिखना है, यानी कि सेक्शन वन से कितना मास गुजरेगा. ओके, तो हमें यूनिट क्या लानी है, दिस इज रेट, रेट मतलब टाइम, या नीचे टाइम यानी सेकंड दिया हुआ है. फ्लो, फ्लो क्या है हमारा, मास, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल यूज करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो देखिए अब मैं केजी कैसे लेके आता हूं, टाइम तो हमें लेके आना ही, तो केजी हम कैसे लिखाएंगे, दिस इज रो. ओके, अब आप सोचेंगे कि ये रो है तो इसकी यूनिट तो केजी पर मीटर की होती है. अब देखिए मैं रो लाने का क्या मीनिंग है ये अभी आपको समझेगा. ठीक है, रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, मगर हमें लाना है ऊपर केजी, समझ रहे हैं, हमें लाना है ऊपर केजी, तो डेफिनेटली मुझे मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे तब हमको केजी मिलेगा. अगर आपको यूनिट बता रही है कि मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहां पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की. मगर अगर आप देखेंगे हमें केजी पर सेकेंड लाना है, केजी तो आ गया है, तो डेफिनेटली हमें किससे मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना था, कहने का मतलब है कि मुझे मल्टीप्लाई करना था मीटर क्यूब पर सेकेंड से, क्योंकि खाली मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, क्योंकि मीटर क्यूब तक कैंसिल हो जाएगा मगर सेकंड नहीं आएगा, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना था मीटर क्यूब पर सेकंड. तो ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. तो बेटर है कि वॉल्यूम, बेटर है कि मैं वॉल्यूम बाय टाइम से डिवाइड करूं, कोई कंफ्यूजन, तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, रो की जगह रो आया. ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू velocity. अब देखिए इसकी यूनिट अगर आप चेक करेंगे तो कैसा होगा, देखिए kg, मैं वापस चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं, kg पर मीटर क्यूब इनटू एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, दिस इज योर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया. ओके, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, दिस इज मीटर पर सेकंड. अब आप देखिए मीटर स्क्वायर इनटू मीटर इज मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो kg पर सेकंड आ गया, सेम हो गया ये. तो इट्स वेरी इजी, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें डेंसिटी को वॉल्यूम अपॉन टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ताकि ये जो यूनिट है आपस में कैंसिल हो जाए और हमारे को जो रिजल्टेंट आंसर है, यानी कि जो रिजल्टेंट यूनिट है वो मिले केजी पर सेकंड. तो हमें मिला केजी पर सेकंड. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रो ए वी, क्लियर हो गया. अब ये सेक्शन वन के लिए, तो इसलिए सेक्शन वन, सेक्शन वन, सेक्शन वन, क्लियर हो गया. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि आप याद रखिए रो ए वन वी वन, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो सेक्शन वन के लिए इतना आया था, समझ गए. तो ये फिलहाल मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको. ओके, कैसे लेके आया, रो वन ई वन वी वन. तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, सेक्शन टू के लिए भी निकालूंगा. तो यहां पर जो वन है वो टू लिख देता हूं,
ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू, यूनिट हमें यही लानी है। यहां पर भी जो मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है वो केजी पर सेकंड में ही एंटर हो रहा है, यहां पर भी जो मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है वो केजी पर सेकंड में ही एंटर हो रहा है। तो देखिए मतलब हमें केजी पर सेकंड ही आंसर में लाना है, यूनिट पे लाना है। तो यहां पर मैं रो लूंगा डेफिनेटली। अब देखिए केजी सेम बता रहा हूं, केजी पर मीटर क्यूब यहां पे लेके आया, इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब। अगर मेरे को केजी लेके आना है तो डेफिनेटली मीटर क्यूब से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होंगे, तब जाके रो ओके लगेगा। समझ रहे, मतलब यहां पर मेरे को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर आप देखिए अगर ये मीटर क्यूब कैंसिल भी हो जाते हैं तो क्या आपको नीचे सेकंड मिल रहा है, यहां पर सेकंड है जो आपको लाना है, तो डेफिनेटली आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपके, समझ रहे, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है हमारा, वॉल्यूम तो ओके, तो दिस मीटर क्यूब पर सेकंड, तो अच्छे से अगर मैं लिखूंगा तो मैं रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअली ये जो मीटर क्यूब पर सेकंड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी हो गया। अब आप देखिए इसकी यूनिट वापस देख लीजिए, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब। ये जो मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, ये दो पार्ट से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे, देखिए कैसे, वापस मैंने लास्ट में समझाया भी है दैट एरिया कैन बी रिटन एज मीटर स्क्वायर। इस मीटर क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज योर मीटर क्यूब, और नीचे आ रहा है आपका सेकेंड। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया, अगर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब हो जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो केजी पर सेकेंड आप वापस लास्ट में आपके बचता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अगर कुछ नई चीज समझ में आई होगी तो प्लीज मेरे को जरूर लिखिएगा, डू राइट कमेंट, और आपको अगर समझ में आए तो प्लीज एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है। चलिए अब जैसा कि आपने देखा कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि हमें क्यों फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ी ऐसे, तो ये ब्रैकेट भी मैं हटा देता हूं, ठीक है ओके। और ये सेक्शन टू के लिए, इसलिए टू 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 लिखूंगा ओके, और ये भी मिटा देता हूं ओके। तो चलिए, तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज सेक्शन टू था, और आपको मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है यानी कि रेट ऑफ फ्लो है, यानी कि जो डिस्चार्ज है सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे, वो दोनों बराबर है, क्योंकि जितना मास एंटर हुआ है सेक्शन वन पे वही मास आपका एग्जिट भी होगा, क्योंकि ना ही मास पैदा किया जा सकता है ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है, मगर उसको इधर से उधर भेजा जा सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो है सेक्शन वन पे इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो सेक्शन टू पे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। क्लियर हो गया ओके। अब आपको मालूम है, तो दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैं वन कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये दोनों कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया ये ओके। हाँ, अगर ये अगर हम फर्दर डिराइव करते हैं फॉर किसके लिए, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में आपको मालूम है कि ये रो वन इक्वल टू रो टू हो जाते हैं, यानी कि डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, सेक्शन वन पे जो डेंसिटी होगी वही सेक्शन टू पे भी डेंसिटी होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। अगर आप गौर करेंगे, ए वन वी वन यानी कि ए इंटू वी, ये क्या होता है, ये होता है आपका फ्लो रेट यानी कि रेट ऑफ फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। अगर ऐसे ही आपके कुछ मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कोई भी वीडियो, या फिर आपके कोई भी कमेंट्स होंगे, तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, और भारत को क्लीन रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।